मैं डॉक्टर रुजीना नज़ीर हूँ और मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड हॉस्पिटल में प्रोफेसर और कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। क्या आप जानते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या है? ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में टेढ़े दांत सीधे किए जाते हैं और जबड़े से रिलेटेड मसाइल का भी इलाज किया जाता है। टेढ़े दांतों के बेशुमार वजूहात हैं। या तो ये जेनेटिक्स में मौरूसी तौर पर बच्चे अपने वालदेन से लेते हैं, या दूध के दांत जल्दी गिर जाने की वजह से भी बाकी दांत उस जगह टेढ़े हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में कभी कभी कुछ ऐसी आदत होती हैं जैसे अंगूठा चूसना, मुंह से सांस लेना वगैरह से भी ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जो जबड़े और दांतों को प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन यानी मुकम्मल ग़िज़ा ना लेने की वजह से भी हड्डियों की नशोनुमा मुतासिर हो सकती है जो इन मसाइल का बायस बन सकती है। टेढ़े दांतों का इलाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेढ़े दांतों की वजह से जबड़े की नशोनुमा में मुदाखलत पैदा हो सकती है। इसके अलावा खाना चबाने में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा टेढ़े दांतों की वजह से सही तौर पर सफाई ना करने की वजह से कीड़ा लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बातचीत करने के दौरान अल्फाज की अदायगी में भी हायल हो सकते हैं और इसके अलावा ये ज़ाहिरी खूबसूरती को भी मुतासिर कर सकते हैं। वैसे तो टेढ़े दांतों का इलाज किसी भी उम्र में किया जा सकता है बशर्ते दांत मजबूत और मसूड़े सेहतमंद हों, लेकिन बच्चों में निस्बतन इसका इलाज आसान होता है बिलखसूस उनके बाले होने से पहले। टेढ़े दांतों के इलाज के लिए ख़ास तारें लगाई जाती हैं जिनको हम ब्रेसेस कहते हैं। इनकी मदद से दांतों को आहिस्ता आहिस्ता एक सीध में लाया जाता है। इस इलाज का मुकम्मल दौरानिया 1 से 3 साल हो सकता है और इस दौरान हर महीने इन तारों को टाइट किया जाता है। अगर आप अपना या अपने बच्चों का इलाज करवाना चाहते हैं तो स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट से ही मुआयना कराएं ताकि आप मुमकिना पेचीदगियों से बच सकें। आपकी खिदमत के लिए मैं और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ मौजूद है।